इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। शहर में कारों के कांच फोड़कर चोरी करने वाली गैंग ने आतंक मचा रखा है। 2 दिन में 6 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनमें 12 लाख रुपयों से ज्यादा का माल चोरी हो चुका है। तुकोगंज पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह दूर से साइकिल के छर्रों से निशाना लगाकर कारों के कांच फोड़ देता है और फिर बैग उठाकर भाग जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी तमिलनाडु का निवासी है। इस इलाके के एक रियल एस्टेट कारोबारी अंकित जैन निवासी दिल पसंद कॉलोनी ने मंगलवार रात पकड़ा। आरोपी ने अंकित की कार का कांच फोड़कर लैपटॉप चुराया था। अंकित ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने एक बदमाश का हुलिया बताया। सीसीटीवी फुटेज देखने पर आरोपी का हुलिया पता चल गया। फिर पुलिस की मदद से उसे आसपास से ही पकड़ लिया गया। बदमाश ने कबूला कि वह साइकिल के छर्रों से कांच फोड़ता है। उधर बदमाश के एक साथी को पलासिया पुलिस ने 2 दिन पहले ही पकड़ लिया था। उसने अपने किसी साथी का नाम नहीं कबूला। वो कॉफी पीने के लिए गए थे, उसकी इनोवा बाहर खड़ी हुई थी। जब उन्होंने लौट कर देखा तो इनोवा का जो कांच टूटा हुआ था ग्लास एक तरफ का, और देखा तो उनका जो लैपटॉप था एप्पल का, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी, वो वहाँ से चोरी चला गया। तो इस पर उन्होंने आसपास देखा, तभी भीड़ के दो जवान थे, तो इन लोगों ने एक जो गद्दे वाला है उसने ये हुलिया बताया था। उस हुलिया के व्यक्ति को आसपास तलाशा तो एक व्यक्ति मिला है, मिला जिसे कब्जे से लैपटॉप मिल गया। वो तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली का रहने वाला है, लोकनाथन उर्फ नागार्जुन इसने अपना नाम बताया है। फिलहाल इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। इसका जो मोबाइल मिला है, मोबाइल नंबर से भी देखा जा रहा है कब कब ये इंदौर में आया है, क्योंकि इस तरह इंदौर में लैपटॉप चोरी की घटनाएं काफी हुई हैं। तो इस तरह से भी इस पूरे गैंग को गैंग की तरह से भी देखा जा रहा है। ये पहले भी क्राइम ब्रांच के द्वारा तमिलनाडु के कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके द्वारा मोबाइल और लैपटॉप की चोरी घटना स्वीकार किया था, जिसमें 4 लैपटॉप और कई मोबाइल मिले थे। इसमें भी ये पूरा ये क्लियर हो रहा है कि तमिलनाडु के लोग ही जो तिरुचिरापल्ली के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देते हैं। पूरा गैंग है, एक ही साथी पकड़ा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी यहाँ हो सकते हैं। उस पर फिलहाल CDR का टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर तुकोगंज पुलिस कार्रवाई कर रही है। We'll be right back.